हमारा भरोसा दृढ़ होता है तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं करा और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोला, आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है, जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए, जितने स्टेडियम के अंदर है इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, ये हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है, भरोसा रख कर जाते हो? पक्का, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास? जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जा। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो, नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है, बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं।
नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो। 50 काम कर सकते हो, एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जा। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चले गए, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक